पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत का जलवा कायम है। सोमवार 2 सितंबर का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 2 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने लगातार दूसरी बार अपना टाइटल डिफेंड करते हुए इतिहास रच दिया, जबकि पैरा बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा इसी दिन 3-3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के खाते में आया। बता दें कि इससे एक दिन पहले यानी कि 1 सितंबर तक भारत के खाते में सिर्फ 7 मेडल थे, लेकिन 2 सितंबर के खत्म होते होते हमारे मेडल्स की संख्या अब 15 तक पहुंच गई है। अब अगर बात करें इस ऐतिहासिक कारनामे को करने वाले खिलाड़ियों की, तो दिन की शुरुआत पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जिताने के साथ की। इसके बाद भारत को नीतीश कुमार ने बैडमिंटन मेंस सिंगल FSL3 में गोल्ड मेडल जिताया, जो पेरिस 2024 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल था। इसके बाद भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया। मनीषा रामदास ने भी बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल SU5 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी इवेंट में तुलसीमती मुरुगेशन ने भी बैडमिंटन में भारत को एक और पदक IAS सुहाग यथीराज ने दिलाया। टोक्यो पैरालंपिक में भी मेडल जीत चुके यथीराज ने मेन सिंगल्स SL4 में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद आर्चरी में भारत की मिक्स्ड टीम ने कंपाउंड ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राकेश कुमार और शीतल देवी ने भारत को ये मेडल दिलाया। इसके बाद देर रात शुरू हुए जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में सुमित अंतिल ने दिन का दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया, जो भारत का इस पैरालंपिक में तीसरा गोल्ड मेडल था। वही वुमेन सिंगल SH6 में नित्या श्रीवास ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया, जो दिन का और भारत के लिए पैरालंपिक गेम 2024 में 8वां मेडल था। बता दें कि भारतीय पैरा खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज़।